हैदराबाद की एक डॉक्टर को गैंगरेप किया गया और उसके बाद उसको जिंदा जला दिया गया। एक 6 साल की स्कूल की छात्रा को राजस्थान में इतनी बुरी तरीके से रेप किया गया कि उसकी आंखें तक बाहर निकल गई। ये दोनों लड़कियां नहीं है इस देश में, लेकिन उनकी आवाजें, उनकी चीखें मुझे लगता है किसी को सोने नहीं दे रही। पूरे देश में एक आक्रोश है, ना तो मैं सो पा रही हूँ, ना मैं उठ पा रही हूँ, ना मैं बैठ पा रही हूँ, ना मैं काम कर पा रही हूँ, क्योंकि ये जो लड़कियां हैं ये इस देश की बेटी है, मेरी बहनें थी और उनके साथ इस तरीके से हो गया। और आज पता नहीं और कितनी निर्भयाएं हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है और आगे भी भविष्य में होगा। क्यों हो रहा है? क्योंकि सरकारें सुन नहीं रही हैं। पिछले साल मैंने अनशन किया था, 10 दिन के अनशन पे बैठी थी, आमरण अनशन पे बैठी थी, और तब जाके 10वें दिन पे प्रधानमंत्री ने देश में कानून बनाया कि कम से कम छोटे बच्चों के बलात्कारियों को तो हर हाल में फांसी की सजा होगी, 6 महीने के अंदर अंदर फांसी की सजा होगी। मुझे ये भी आश्वासन दिया गया था कि 3 महीने में इस कानून को लागू करने के लिए सारे सिस्टम बना दिए जाएंगे, पुलिस के संसाधन बढ़ा दिए जाएंगे, पुलिस की जवाब ही तय कर दी जाएगी, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बना दिए जाएंगे। पर आज 1.5 साल हो गया, कुछ भी नहीं बदला। रोज एक निर्भया, रोज दो निर्भया, कभी 8 महीने की बच्ची, कभी 80 साल की महिला, क्या कैसे जानवरों जैसा हाल हो गया है। इसको बदलने की जरूरत है। कल से मैं आमरण अनशन पे बैठ रही हूँ। जब तक इस देश में केंद्र सरकार ऐसा सिस्टम नहीं बनाती कि हर हाल में रेपिस्टों को 6 महीने के अंदर अंदर फांसी की सजा दी जाएगी, इसके लिए पुलिस को भी बढ़ाया जाएगा, पुलिस की जवाबदेही भी तय की जाएगी, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स भी बनाए जाएंगे, जब तक इस तरीके का सिस्टम नहीं बनता तब तक मैं आमरण अनशन पे बैठ रही हूँ। कल सुबह 10 बजे मैं जंतर मंतर पहुंचूंगी, आमरण अनशन मेरा शुरू होगा। मैं आप सबसे अपील करती हूँ कि प्लीज ज्यादा से ज्यादा मात्रा में साथ दीजिए, क्योंकि ये सिर्फ मेरी अकेले की लड़ाई नहीं है। पिछले 3 साल में दिल्ली महिला आयोग ने 55,000 केसेस की सुनवाई करी है। अरे अनशन करके कानून तक बदलवा दिया, लेकिन फायदा क्या है? सब कुछ बेमानी सा लगता है। अगर हम एक 6 साल की बच्ची, एक 8 महीने की बच्ची को भी नहीं बचा सकते तो बहुत हो गया, बस बहुत हो गया, बहुत हो गई भाषणबाजी। हम बस इतना चाहते हैं कि एक ऐसा सिस्टम बनाओ इस देश में कि रेपिस्टों की रूह कांपे, हर हाल में सजाएं हो, तुरंत सजाएं हो, प्रोसेस के द्वारा सजाएं हो, पर सजाएं हो। आपसे अपील है, कल 10 बजे जंतर मंतर जरूर आइएगा। सबसे पहले न्यूज देखने के लिए हमारे HN न्यूज को सब्सक्राइब करिए और इस बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहे।